मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दोनों ही राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एमपी चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है। पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पर विनाशकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मॉडल को रखेगी। चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे, इसका मतलब है कि संगठन पूरा बनाएंगे, गांव-गांव तक संगठन बनाएंगे, हर गांव में संगठन बनाएंगे और सारे कैंपेन पूरी ताकत से लड़ेंगे। कैंपेन जब पूरी ताकत से लड़ेंगे तो सारी गारंटीज केजरीवाल जी की जो है वो मध्य प्रदेश में भी लेकर। पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने मध्य प्रदेश में हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का हवाला दिया और कहा कि आप यहां अगली सरकार बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी और अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से कांग्रेस 114 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने बाद में कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। हालांकि मार्च 2020 में कांग्रेस के कई विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद भगवा पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कम समय और प्रदेश कार्य समिति भंग करने के बाद की स्थिति पर उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही समिति गठित कर दी जाएगी। संपर्क में तो काफी सारे लोग करते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता तैयार है, जनता हर दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो अच्छा है, जिसकी इमेज अच्छी है और जनता जिससे प्यार करती है, हर उस व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद है जिसका इमेज खराब है। आप नेता ने मध्य प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा की और कहा कि चूंकि हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या मध्य प्रदेश में कई गुना बढ़ गई है, इसलिए हमने अपनी राज्य कार्यकारी समिति को भंग कर दिया ताकि इसका विस्तार किया जा सके और नए चेहरों को जोड़ा जा सके। उन्होंने दावा किया है कि लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी तेजी से मजबूत हुई है, जो पिछले साल मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के दौरान मेयर का चुनाव जीतने पर देखा गया। कई जगहों पर हमारे पार्षद भी जीते हैं। जनता का पैसा है, जनता को ही देंगे। ये क्या करते थे आज तक? कमाते थे। इनके रिश्तेदार पेट्रोल पंप खोलेंगे, बिजनेस खोलेंगे, वाटर पार्क, पता नहीं क्या क्या बिजनेस और नई नई चीजें खोलेंगे, सारा पैसा खा जाते थे ये खुद में। जनता को अगर आप थोड़ी सी बिजली फ्री दे दोगे, थोड़े से पानी फ्री दे दोगे, स्कूल आप फ्री कर दोगे, हॉस्पिटल की सुविधा, तो इनको दर्द क्यों होता है इतना? आप कोई भी विकसित देश उठाकर देख लीजिए, हॉस्पिटल और एजुकेशन दो चीजें हैं, उन सारे विकसित देशों में फ्री है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं दिल्ली का भी देता हूं। दिल्ली में सारी चीजें फ्री जनता को करने के बाद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में चलती है, ऐसे कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भ्रष्टाचार बंद हो गया। तो हम फ्री की देंगे और आने वाले समय पे और भी चीजें फ्री में देंगे। जनता का पैसा है, जनता के पास जाना चाहिए और फ्री में देने का मतलब उधारी करके फ्री नहीं देना है। भ्रष्टाचार रोक कर ज्यादा कमाई करके जनता की जेब में डालना है और ये हम करेंगे। जिसको दर्द है वो अपना दर्द में। स्थानीय निकायों के चुनाव ने बीजेपी और कांग्रेस को एक जोरदार और स्पष्ट संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक वो मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनाने जा रही है। आपके पास देश में 2000 से 2500 पार्षद हैं। राज्यसभा सदस्य ने ये भी कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में आपके उदय के साथ भारत में विनाशकारी और गंदी राजनीति की जगह रचनात्मक राजनीति ले रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की इस घोषणा ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में किसके सिर पर ताज सजेगा और किसका वनवास हो जाएगा।